मेरा नाम है नाना साहेब शिंदे, मैं BST में वर्कशॉप दादे वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे, धीरे से और जोर से, तो ऊंची आवाज में पूछे। मेरा सवाल है, तो मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपके अदालत में आया हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है, तो मेरा क्या मकसद है? और धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि उसका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए, आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छे तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसकी नहीं। ये आपका फर्ज है। देखोगे उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं, तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में, क्या ईश्वर एक है, ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। यह आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाए। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, आप फिर उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं, और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुभाना व ताला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे, ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।